हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हैशलर्न। आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन डिस्कशन। खास कि जो लोग एसएससी सीजीएल दे रहे हैं उसमें आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में अच्छा कमांड होना चाहिए, ताकि आप टायर वन में दो से तीन क्वेश्चन जो आते हैं वो आराम से बना पाएँ, और टायर टू जो होता है सीजीएल का, जहाँ पर करीबन आपको 20 क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा होना पड़ेगा। इस टॉपिक में कमांड होनी चाहिए आपकी, और क्या है कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्लैरिटी। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने जब बात की तो देखा कि आम तौर पे स्टूडेंट्स वर्ब में और द वॉइस होता है और नरेशन में जो वर्ब होता है उसके रूल्स में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जो रट तो लिया उन लोगों ने सब कुछ, वर्ब्स के जितने रूल थे वॉइस में और वर्ब के जितने रूल नरेशन में थे वो सारे याद कर लिए। अभी 40 क्वेश्चन आपके टायर टू के पेपर में वर्ब्स वॉइस में और नरेशन, मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आ जाएंगे। और वहाँ पे क्या होता है, एग्ज़ाम प्रेशर के टाइम पे आपने रटे रटाए कॉन्सेप्ट सीख लिए कि यहाँ पे इसको ये वर्ब चेंज कर दो, वहाँ पे वो वर्ब चेंज कर दो, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर दो, और प्रेजेंट अगर इनडेफिनिट में है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कर दो। ये सब रूल जो है आपने रट लिया। अब वहाँ पे गए और आपने क्या किया कि नरेशन के रूल्स वॉइस में लगा दिए, वॉइस के रूल्स नरेशन में लगा दिए, और सारा कुछ मामला गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आज के क्लास में कि थोड़ी क्लैरिटी डेवलप करेंगे, कि आपको पहली बात तो ये समझ में आ जाए कि वॉइस का मतलब क्या होता है और उसमें हमारा पर्पज़ क्या है। उसके बाद में कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हम ध्यान पर रखेंगे, और उन एग्जाम्पल्स को ध्यान पर रखते हुए ऐसा कुछ होगा कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या है कि जब आप नरेशन के क्वेश्चन को देखोगे तो अलग एग्जांपल्स को ध्यान में आएंगे आपके, और जब आप वॉइस के क्वेश्चंस को देखोगे तो अलग एग्जांपल्स ध्यान में आएंगे। तो यहाँ पे आपसे गलती होने की चांसेस जो है थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए हम पहले देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। एक सेंटेंस होता है, या तो वो एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में होगा। अगर आप एक्टिव पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हो तो हमारी पहले की वीडियो देख लो, जहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। आज भी मैं थोड़े आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन करा दूंगा, पर आपको ये समझाना चाहिए कि होता क्या है क्वेश्चन में, कि अगर आपके पास 20 क्वेश्चन तो उसमें आप समझ लो 15 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में होंगे और 5 क्वेश्चन पैसिव वॉइस में होंगे। मतलब कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है वो एक्टिव वॉइस में होगा तो आपको आंसर ऑप्शन ढूंढने हैं जो पैसिव वॉइस में है, और अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में हो तो फिर आपको आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा वो जो कि एक्टिव वॉइस में है। तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई क्वेश्चन जो है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक मोटा मोटी एक ओवरऑल आइडिया हम यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। दो चीज़ों पर ध्यान देना है आपको। सबसे पहली बात तो ये कि जो सेंटेंस है उसमें आपको ध्यान देना है कि वर्ब की फॉर्म क्या है। अगर वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है, द सेंटेंस हैज समथिंग इन पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ में पहले में या तो बी लगा हुआ है या बीन लगा हुआ है या फिर आपको बाय दिख रहा है वहां पे, तो सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। और अगर आपको ये नहीं दिख रहे हैं तो सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। इसके पहले ये समझ जाइए कि एक्टिव वॉइस होता वो है जहाँ पे सब्जेक्ट को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। एक्टिव वॉइस यूजेज अ सेंटेंस विद द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट, एंड हु इज द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज वन हु इज परफॉर्मिंग समथिंग, हु इज डूइंग समथिंग। सो व्हेन वी वांट टू फोकस ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन, द एजेंट, द वन हु इज डूइंग समथिंग, वन हु इज परफॉर्मिंग समथिंग, एग्जीक्यूटिंग समथिंग, देन वी राइट द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। और इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल है कि ज़्यादातर सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होने चाहिए। अगर एडवांस लेवल पे इंग्लिश आप जाके सीखेंगे, आर्टिकल राइटिंग ऐसे राइटिंग करिएगा, वहाँ पे तो आपको ये रूल्स दिए जाएंगे इंग्लिश के कि सेंटेंस जो है हमेशा एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, क्योंकि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, एम्बिग्यूटी लाता है, आपकी जो राइटिंग है वो वेग हो जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, जो काम कर रहा है जो एजेंट है वो मिसिंग है, जिस पे काम किया जा रहा है वो है। तो सेंटेंस जो ज़्यादातर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जब आप कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई भी नॉवल पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो जितने सेंटेंसेस होते हैं वो ज़्यादातर एक्टिव वॉइस में ही होते हैं, क्योंकि एक्टिव वॉइस का काम ये होता है कि वो सब्जेक्ट पे फोकस करे, जो काम कर रहा है जो एजेंट है उस पर फोकस करे, और इस पर ना फोकस करे कि किस पर काम किया जा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है हमें
कि हमें फोकस शिफ्ट करना पड़ता है फ्रॉम द एजेंट टू द ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट की जगह अब हमें ऑब्जेक्ट पे फोकस डालना है और ऑब्जेक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना कि सब्जेक्ट। जैसे कि आपने किसी आपने अपनी कार को कहीं पे किसी मैकेनिक के पास या किसी वर्कशॉप में दिया हुआ है सर्विसिंग के लिए, और आपने फ़ोन किया वहाँ पे और किसी टेलीकॉलर ने या रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन उठाया और आपने उससे पूछा कि मेरी कार रेडी हो गई है क्या, और वहाँ से जवाब आया सर योर कार इज़ गेटिंग रिपेयर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस जो था वो कार पे था, ना कि उस मैकेनिक पे जो कि वो कार रिपेयर कर रहा है। ये जानना ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि कौन है वो जो कार को रिपेयर कर रहा है, क्योंकि वो एक समझी हुई बात है कि अगर कार रिपेयर हो रही है तो मैकेनिक ही कर रहा होगा। तो यहाँ पे फोकस किस पे था, कार पे था। तो जब ऐसी ज़रूरत होती है तभी हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं, वरना सेंटेंस नॉर्मली एक्टिव वॉइस में होता है। तो एक्टिव वॉइस में जब सेंटेंस होता है तो उसकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो होती है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जब हम इसे पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं और वर्ब को मॉडिफाई कर देते हैं यहाँ पे, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं उसमें। तो कुछ सब्जेक्ट वर्ब के बेसिक रूल्स हैं जो आपको एग्जांपल्स देख के समझ में आ जाएंगे, और इसके साथ आप ये क्लैरिटी डेवलप कर लेंगे कि ये वॉइस के रूल्स हैं और फिर नरेशन के रूल्स अलग हैं। इनमें मिलाइए मत, अगर इन्हें मिला दिया आपने तो 40 के 40 क्वेश्चन आपके डूब सकते हैं एग्जामिनेशन में, और अगर आपने इन 40 क्वेश्चन को गलत कर दिया तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा SSC के पेपर पे क्लियर करना। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखते हैं और यहाँ पे इसके डिस्कस करेंगे कि क्या है यहाँ पे। द मैनेजर गेव हर अ नेगेटिव फीडबैक, किसने दिया नेगेटिव फीडबैक, मैनेजर ने दिया। सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्टिंग में है, इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में है। ओके, गेव हर अ नेगेटिव फीडबैक, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे गेव पे। गेव जो है वो गिव का फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, पास्ट टेंस फॉर्म है। जब आप गिव लिखते हैं, गिव ये इसका बेस फॉर्म होता है, इसे फिर हम लिखते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में जिसे हम कहते हैं गिविंग, फिर इसका पास्ट टेंस फॉर्म होता है गेव, और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो होता है गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्म यूज़ किया गया है वो है गेव, जो कि है पास्ट टेंस फॉर्म। सेंटेंस पास्ट टेंस में है, किस पास्ट टेंस में है, पास्ट इनडेफिनिट में है। आपने ये समझ लिया कि ये वर्ब जो है पास्ट इनडेफिनिट में है। जब कोई सेंटेंस पास्ट इनडेफिनिट में होता है और एक्टिव वॉइस में होता है तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि राम एट द केक, तो उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द केक वॉज ईटन बाय राम। देखिए, राम एट द केक बन जाएगा केक वॉज ईटन बाय राम। मतलब कि जब भी कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो उसे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वहाँ पे वॉज चाहिए। क्या चाहिए हमें, एक तो हमें चाहिए वॉज और दूसरा हमें चाहिए गेव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गिव का, जो कि है गिवन। एक बार हमने ये समझ लिया तब जाके ये समझ में आएगा, हाँ हमें सेंटेंस में ढूंढना क्या, आंसर ऑप्शंस में हमें क्या ढूंढना है। यहाँ आंसर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है, वहाँ पे आपको देखना है कि वॉज गिवन कहाँ कहाँ पे है। एक तो इस जगह पे है, दूसरा यहाँ विल गिव है तो ये गलत हो गया, तीसरा है इज बीइंग गिवन अगेन, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमें क्या चाहिए, वॉज चाहिए, और गिविंग भी गलत हो गया। तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यहाँ पे हो गया, नेगेटिव फीडबैक वॉज गिवन टू हर बाय द मैनेजर ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए जिससे कि आपको ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाए कि क्या क्या हो सकते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। तो अगर मैं आपको ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख के दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या तरीका होना चाहिए कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ पे 5 से 6 एग्जाम्पल्स लिखूंगा जो कि 80% क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, और सब में एक ही एग्जाम्पल यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नेम ऑफ द पर्सन राम, और मैं कहूँगा यहाँ पे कि राम ईट्स द केक। तो जब यहाँ पे ईट्स द केक है तो अगर आप यहाँ पे देखें सेंटेंस के वर्ब में ईट्स द केक, ये जो ईट्स है वो क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म भी कहते हैं।
तो जब वो राम ईट्स द केक होगा तो इसमें चेंज क्या हो जाएगा, इसमें हमेशा टू बी वर्ब लगता है, मतलब कि वर्ब के टू बी फॉर्म्स। कौन कौन से टू बी फॉर्म्स है वर्ब्स के? एक है एम, एक है इज, एक है आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीन। इन्हें काफ़ी सारे नामों से बुलाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अलग अलग ग्रामर बुक में आप देखेंगे कहीं पे इन्हें कॉपुलेटिव वर्ब कहा जाता है, कहीं पे इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है, कहीं पे सिंपली टू बी कहा जाता है, कहीं पे प्राइमरी मॉडल भी कहा जाता है। ये सारे बी फॉर्म्स हैं वर्ब्स के, एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीन। ओके, तो यहाँ पे हमें एक टू बी वर्ब चाहिए और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल चाहिए। तो चूंकि केक सिंगुलर है, हम यहाँ पे यूज करेंगे इज, और ईट्स का फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन। ये नॉर्मल तरीका होगा किसी भी प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। राम ईट्स द केक, द केक ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो लेफ्ट में चला गया और जो सब्जेक्ट हमारा है वो राइट में चला गया, पर वहाँ पे बाय यूज़ करेंगे। द केक इज ईटन बाय राम। इज बीइंग ईटन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, ये काम जो हो रहा है वो एक कंटिन्यूटी में नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक एक तो ये हो गया, जितने भी इनडेफिनिट सेंटेंस हैं सबके लिए ये एक एग्जाम्पल सफिशेंट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं राम इज ईटिंग द केक, अगर एक ही एग्जांपल को लेकर चला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए याद करना भी आसान हो जाएगा। राम इज ईटिंग द केक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ मैं आपको वर्ब के फॉर्म को लिखूंगा यहाँ पे, बाकी सेंटेंस आप खुद से बना लीजिए। इज ईटिंग है ना, तो यहाँ पे इज बीइंग ईटन हो जाएगा, मतलब कि जो टू बी वर्ब है वो तो सेम है पर यहाँ पे इज बीइंग ईटन आ गया, तो ये है आपका वर्ब, द केक इज बीइंग ईटन बाय राम। अच्छा, राम हैज ईटन द केक होगा, तो राम हैज ईटन द केक, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राम हैज ईटन द केक। जब भी आपको हैज दिखे, हैव दिखे या हैड दिखे, साथ में पार्टिसिपल हो, इसका मतलब है सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है। और वैसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हैज के साथ हम बीन लगाते हैं, हैज बीन ईटन। इसे आसान धीरे धीरे और आराम से समझने की जरूरत है, क्या है आप रट के चले जाएंगे, फिर क्या होगा, पूरे सारे आंसर्स आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाओगे नरेशन में, वॉइस में, रूल्स में। ठीक है, तो राम हैज ईटन द केक, तो वहां पे हैज बीन होगा। बेसिक रूल यहाँ पे याद रखना ये है कि जब भी हैज हो या हैव हो या हैड हो तो उसके साथ में हमें बीन चाहिए ही चाहिए, जब आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में करना हो तो। ओके, नाउ राम इज ईटन द केक हो गया। फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे राम एट द केक, तो अब हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस से कहाँ चले गए, पास्ट टेंस पे चले गए। राम एट द केक, और जो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें पैसिव नहीं बनाएंगे, राम एट द केक, तो ये जो है ये पास्ट टेंस है। तो एट द केक में क्या हो जाएगा, वॉज ईटन हो जाएगा, तो पास्ट टेंस में वॉज लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जो कि है ईटन। राम वॉज ईटिंग, जब हम यहां पे करेंगे राम वॉज ईटिंग, और साथ में एग्जाम्पल सेम ही, एक ही एग्जाम्पल को लेकर चल रहा हूं मैं ताकि आपको सब कुछ वहीं पे समझ में आ जाए। वॉज हो जाएगा और बीइंग ईटन हो जाएगा, मैं बेसिकली यहाँ पे बस यही डिफरेंस है, वॉज बीइंग ईटन। अगर राम हैड ईटन द केक होगा, सब वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, हैड ईटन जो कि पास्ट परफेक्ट है, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा हैड बीन ईटन, हैड बीन, जहाँ पे भी आपको हैड दिखे, हैज दिखे, हैव दिखे, वहाँ पे बीन लगना है, had been eaten। ये हो गया examples। और फिर अगर हम वहाँ पे future में जाएंगे, राम will eat the cake, राम will eat the cake, तब वहाँ पे बन जाएगा राम will be, the cake will be
एक सेकंड, केक है यहाँ पे, ओके, द केक विल बी ईटन, और ये जो बी लगा है यहाँ पे, ये सारे मॉडल्स में लगेगा, जितने भी मॉडल्स हैं, राम कैन ईट द केक कैन बी ईटन बाय राम, राम शुड ईट द केक शुड बी ईटन बाय राम, जहाँ पे भी मॉडल है, ये विल जो है ना एक मॉडल है, विल वुड शाल शुड कैन कुड, ये जितने हैं सारे मॉडल्स हैं, और इन सारे मॉडल्स के साथ क्या लगेगा, बी लगेगा, और मॉडल जो है अपने सेंटेंस में अपनी जगह पे हिलेगा नहीं, वहीं पे रहेगा, और उसके साथ में हम बी लगा देंगे और बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इस मॉडल से सेंटेंस को स्टार्ट कर दें, यहाँ पे हम यहाँ पे राम विल की जगह इसे क्वेश्चन बना देते हैं, विल राम ईट द केक, विल राम ईट द केक, तो ये क्वेश्चन बन गया ये। और जब भी कोई मॉडल से क्वेश्चन बन जाए कि शुड राम ईट द केक और कैन राम ईट द केक, ओके, सो मे राम ईट द केक, जब भी कोई एक मॉडल से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में रहेगा, विल, विल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, विल, इसका पैसिव वॉइस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे विल द केक बी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में वो मॉडल अपनी जगह पे एक बिल्कुल चिपक के रहेगा, वो हटेगा नहीं वहाँ से, विल से सेंटेंस स्टार्ट होगा पैसिव वॉइस में भी और एक्टिव वॉइस में भी, तो विल द केक बी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा बी, जो कि मॉडल के साथ हमेशा हम बी यूज़ करते हैं, विल द केक बी ईटन, और बाद में बाय राम तो यूज़ हो जाएगा। और अगर एक और जो सेंटेंस है जिसे आपको समझना चाहिए वो है, तो सेंटेंस होता है किसी प्रेपोजिशन के फॉर्म में, जब हम वहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जब भी एक वर्ब के साथ में एक प्रेपोजिशन को जोड़ दिया जाए और उनकी एक कंबाइंड मीनिंग बनती हो, अलग अलग नहीं देखते उन्हें हम, उन्हें एक कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं, तो उन वर्ब्स को कहा जाता है फ्रेजल वर्ब्स। जैसे कि रनिंग आफ्टर समथिंग, तो रनिंग आफ्टर समथिंग का एक मीनिंग है, रनिंग आफ्टर मतलब किसी को चेज करना, या रन डाउन द ट्रक रन डाउन समवन, तो वो होता है एक्सीडेंट में यूज करते हैं रन डाउन, रन अक्रॉस, रन आई रन इनटू हिम इन द मॉल, तो ये जितने एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स, इडियोमेटिक यूसेज कहते हैं इन इंग्लिश में। तो उन फ्रेजल वर्ब्स को ना हम कभी अलग अलग नहीं करते, उन्हें साथ में ही रखते हैं। जैसे कि राम लुक्ड एट द केक, देखिए राम लुक्ड एट द केक, तो ये जो दो एक वर्ब है यहाँ पे लुक्ड, और एक है प्रीपोजिशन एट, द केक वॉज, तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे, द केक वॉज लुक्ड एट, ये जो लुक्ड एट है वो चेंज नहीं हुआ, वो अपने आप रहेगा, हमेशा एक जोड़े में रहेगा, लुक्ड एट बाय राम, ठीक है। और एक होता है आपको कोई भी अगर कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, जैसे कि प्लीज स्टॉप राइटिंग, लेट द राइटिंग बी स्टॉप्ड, वहाँ पे स्टार्ट हम करते हैं लेट से, तो इसे भी अगर आप लिख लें यहाँ पे, एक और एग्जांपल ऐड कर ले, तो फिर इन एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है हमें, और जब भी इस टॉपिक को रिवाइज करना है, एक बार इन एग्जांपल्स को देख लिया, उन्हें हम मेंटली रिकॉल कर लिया, और फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपके लिए वो क्वेश्चन बनाना टफ नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और एक स्ट्रक्चर को लेकर हम सारे रूल्स को एक जगह रख सकते हैं, अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं, जब भी इनकी ज़रूरत हो उसे हम रिकॉल करें, और फिर उसके साथ हम उसे उसी तरीके से सॉल्व करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें विद इन 5 to 10 seconds, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो भी हमारे पास अभी यहाँ पे एक सेकेंड ओके सो लेट्स मी जस्ट वाइप आउट दिस एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल्स हो गए, अब हम चलते हैं एक यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, और उसके साथ में फिर हम देखेंगे इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड द रूल्स, यू हैव नोटेड डाउन, सो कीप दिस रूल्स इन योर माइंड इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मैट, सो दैट यू नो यू हैव वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल एंड यू गो थ्रू दैट एग्जाम्पल एंड यू कैन रिवाइज ऑल द रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। इसी तरीके से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के भी एग्जाम्पल्स बना लें और एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखें, जब भी कोई क्वेश्चन आए उसे उस एग्जाम्पल से कोरिलेट करके सॉल्व कर ले, आसानी से वो एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व हो जाएगा, ओके। सो ये था एक बेसिक ओवरव्यू इस टॉपिक का,
कोई भी क्वेश्चन आ गया आप देखेंगे स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन हम लेंगे वो आसानी से सब इसी एक पॉइंट से सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। एक हमारे पास पूरी आइडिया अब हमारे पास डेवलप हो चुकी है, किसी भी एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट बी टेकिंग मोर देन 5 to 10 seconds फॉर सॉल्विंग इवन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। आई विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस पेपर सो दैट यू कैन हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब इन रूल्स को मैंने रिवाइज करा दिया आपको, इन्हें मैंने और डिटेल से डिस्कस किया था जो हमारी कॉन्सेप्ट डिस्कशन सेशन थी वहाँ पे। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर टू, प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड के साथ क्या हो जाएगा, देखिए ये पास्ट टेंस फॉर्म में है तो होना चाहिए वॉज प्रेजेंटेड। तो वहाँ पे आपको वॉज प्रेजेंटेड कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और कहीं वॉज बीइंग डन प्रेजेंटिंग ये गलत हो गया, प्रेजेंस गलत हो गया, विल बी प्रेजेंटेड गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। डिटेल बैटल प्लान वॉज प्रेजेंटेड टू अस बाय द जनरल। तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए अगर एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ 5 seconds। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज। तो ये कीप नेग्लेक्टिंग जो है, विल यू कीप नेग्लेक्टिंग, ओके। सो जब हमारे पास यहाँ पे विल है तो उसके साथ में बी होना चाहिए, ठीक है। और कीप जो है यहाँ पे इनडेफिनिट फॉर्म में है तो केप्ट हो जाएगा, तो हमें बी केप्ट चाहिए यहाँ पे। यू केप्ट नेग्लेक्टिंग, नीड टू बी नेग्लेक्टेड बाय, सो ये सारे गलत है। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू योर ड्यूटीज बी केप्ट नेग्लेक्टेड बाई यू, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन 3। सो कीप यहाँ पे वर्ब है और नेग्लेक्टिंग भी एक वर्ब है, तो कीप यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनिट फॉर्म में है तो उसे हम वहाँ पे बी वर्ब यूज करेंगे, बी केप्ट, तब जाके वो सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डॉक्टर हैज गिवन। जहाँ पे भी हैज होता है वहाँ पे क्या चाहिए होता है हमें, हमें बीन चाहिए होता है, हैज बीन गिवन। तो हैज बीन गिवन यहाँ पे है और इज बीइंग गिवन तो ये गलत हो गया, गिव्स गलत हो गया, और यहाँ पे हैज बीन डन ये भी गलत हो गया। सो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी पेनफुल इंजेक्शन हैज बीन गिवन टू मी बाय माय डॉक्टर। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा आपके सामने, इसे आप एक बार खुद से देखिए और बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, चलिए फटाफट सॉल्व करिए, बताइए यहाँ पे आंसर क्या है। आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में 1, 2, 3 या 4, हिज बिहेवियर एम्बेरसेस मी। एम्बेरसेस किस फॉर्म में है, प्रेजेंट इनडेफिनिट के फॉर्म में है, तो उसे क्या करना होगा, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साथ में एक बी वर्ब चाहिए होगा, मतलब एम इज आर वॉज वर बी बींग एंड बीन, सो एम्बेरस्ड होना चाहिए। तो पहली बात तो हमें यहाँ देखना चाहिए एम्बेरस, आई एम एम्बेरस्ड, तो एम और साथ में एम्बेरस्ड बाय हिज बिहेवियर बिल्कुल सही है। आई एम माई सेल्फ एम्बेरस्ड बाय हिज बिहेवियर इज नॉट राइट, ओके। यहाँ पे माई सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं थी, ये सेंटेंस अदरवाइज सही होता। एम्बेरसिंग ऑफ माई सेल्फ ये भी गलत है, और हिज बिहेवियर इज एम्बेरसिंग फॉर मी ये भी गलत है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 की तरफ। यहाँ पे आई हैव फ्लोन दिस प्लेन फॉर 7 years। यहाँ पे सिर्फ फोकस कहाँ होना चाहिए आपका, हैव पे और फ्लोन पे, और जहाँ पे हैव होता है, हैज होता है या हैड होता है वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम बीन लगाते हैं। तो अब हमें क्या ढूंढना है सेंटेंस में, सिर्फ 3 चीज़ों को देखना है हमें, हैव बीन और फ्लोन कहाँ पे एक साथ हैं। चलिए देखते हैं, पहले सेंटेंस में बिल्कुल नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, और यहाँ चौथे में है, हैज बीन फ्लोन। तो ये हैव जो है यहाँ पे वो हैज बन गया, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे प्लेन, एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है वो, तो वो हैव जो है वो हैज बन जाएगा। दिस प्लेन हैज बीन फ्लोन बाय मी फॉर 7 years, दैट्स योर आंसर स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि कैसे हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे कुछ भी टाइम नहीं लगता और फटाफट सारे आंसर्स आ जाते हैं। अगर एग्जांपल्स हमारे पास क्लियर कट हों और वो एग्जांपल्स एक जगह पे आप स्टोर करके अपने माइंड में रखें, जब आपको क्वेश्चन चाहिए उसे निकाले, इसको रिकॉल कर पाए, एग्जांपल्स को कंफ्यूज ना हो, अलग अलग एग्जांपल्स होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अलग सेट्स बना के रखें आप किसी जॉन से, और एक्टिव पैसिव वॉइस के राम से बना के रखें, आप कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ कम्पोज, अगेन यहाँ पे हैज़ दिखा और कम्पोज दिखा, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। So, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीन चाहिए हमें, हैज चाहिए, बीन चाहिए, कंपोज चाहिए। विल बी कंपोज गलत हो गया, हु कंपोज गलत हो गया, कंपोजिंग गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा, दिस सॉन्ग हैज बीन
composed by whom? पूरा सेंटेंस ना भी पढ़े तो विद इन 5 सेकंड्स आप आंसर मार्क कर पाएंगे. 5 सेकंड मतलब अगर आपने 20 क्वेश्चन किया 100 सेकंड्स में हो जाएंगे. 1.5 मिनट्स आप समझिए, मैक्सिमम 2 मिनट्स. 2 मिनट में 20 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाओगे. इससे ज़्यादा आपके लिए क्या चाहिए एग्जामिनेशन में. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10. हैव यू क्रिएटेड, तो जहाँ पे हैव है ये एक मॉडल है, इससे यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए फिर. ओके, और सिंस यहाँ पे ब्यूटीफुल आर्टवर्क पहले आ जाएगा तो हैव जो है वो बन जाएगा हैज़, वरना तो बाकी सब कुछ सही है. तो हमारा सेंटेंस जो है वो हैज़ से स्टार्ट होना चाहिए. 1 और 2 गलत हो गया तो फिर हमें यहाँ पे चाहिए 2 ही आंसर हैं, एक हैज़ और हैज़. हैज़ दिस ब्यूटीफुल आर्टवर्क और हैज़ क्रिएटिंग दिस ब्यूटीफुल आर्टवर्क, तो हैज़ क्रिएटिंग नहीं होगा. साथ में एक बीम भी चाहिए, वो भी यहाँ पे मिल गया हमें. सब कुछ मिल रहा है 3 में. तो ये एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल है, जब कोई सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट होता है. जैसे हमने कहा विल राम ईट द केक, एक क्वेश्चन था वो, तो विल द केक बी ईटन बाय राम. कैन राम ईट द केक, कैन द केक बी ईटन बाय राम. जब भी कोई सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट होगा तो वो मॉडल अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वो अपनी जगह पे रहेगा. हाँ, पर उसके फॉर्म थोड़े चेंज हो सकते हैं. क्यों? जब वो हैव हो, क्योंकि हैव नॉर्मली प्लूरल के साथ यूज़ किया जाता है. जब यहाँ पे यू था सब्जेक्ट में तो वहाँ पे हैव यू किया गया था, लेकिन जब वहाँ पे हम ब्यूटीफुल आर्टवर्क को डाल देंगे तो वो प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा. पर अगर कोई और मॉडल वर्ब होता जैसे कि विल या शुड या कैन या मे, तो फिर वो फॉर्म भी चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहता सेंटेंस के स्टार्टिंग में. बहुत ही आसान बन जाएगा आपके लिए ये पूरा टॉपिक जो है, आपके लिए पूरी टॉपिक बहुत सिंपल इजी हो जाने वाली है. क्वेश्चन नंबर 11, दे विल स्टार्ट द फायरवर्क. तो यहाँ पे क्या विल और स्टार्ट, राम विल ईट द केक विल बी ईटन बाय राम, ना ये रूल आपने ध्यान रखा. सो विल स्टार्ट के साथ विल बी स्टार्टेड होना चाहिए, विल बी स्टार्टेड. तो हमें क्या क्या ढूंढना है सेंटेंस में. मॉडल हमारा विल है, साथ में चाहिए बी और स्टार्टेड. विल बी स्टार्टेड हमें यहाँ दिख रहा है, विल बी स्टार्टिंग ये गलत हो गया. वुड बी नहीं होना चाहिए आंसर, विल बी डन बिल्कुल गलत. तो आंसर क्या हो जाएगा, 1. कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे, बस हमें देखना है कि फॉर्म चेंज कैसे हो रहा है. और एक बार वो समझ गए तो फिर इन क्वेश्चंस को बनाने में क्या ही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. यहाँ पे व्हाट इज द क्वेश्चन, आई कुड नॉट फाइंड द बुक. खुद यहाँ पे एक मॉडल है तो उसके साथ में बी चाहिए. फाइंड जो है यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनिट में है, फाउंड होना चाहिए. फाइंड क्या बन जाएगा, फाउंड बन जाएगा. नॉट जो है वो कहीं जाने वाला नहीं है, कुड नॉट एक ही साथ होगा, कुड नॉट बी फाउंड. हमें क्या चाहिए, कुड नॉट बी फाउंड. सो कैन नॉट फाइंड गलत हो गया, कुड नॉट बी फाउंड यहाँ पे है, कैन नॉट बी फाउंड यहाँ पे गलत हो गया, कुड नॉट बी डन गलत हो गया. तो आंसर क्या हो जाएगा, द बुक कुड नॉट बी फाउंड. जस्ट लुक एट द फ्लो दैट आई एम यूजिंग एंड हाउ आई एम सिंप्लीफाइंग दिस एंटायर क्वेश्चन. इसे आप भी यूज करिए और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए. आंसर क्या है इसका, द बुक कुड नॉट बी फाउंड बाय मी. यू नीड टू वाटर द प्लांट्स डेली. तो यहां पे फोकस करते हैं हम, यहां पे नीड है यहां पे तो इसके साथ में बी चाहिए, और वाटर है तो वाटर एक वर्ब है यहां पे. ठीक है, वाटर जो है एक नाउन भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन, पर वाटर जो है वर्ब भी होता है. जैसे कि प्लांट को वाटर करना, पानी डालना प्लांट में. सो वाटर क्या हो जाएगा, वाटर्ड हो जाएगा. और जो हमारा यहाँ पे नीड टू है उसके साथ में क्या बन जाएगा, बी. नीड टू बी वाटर्ड, हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, नीड टू बी वाटर्ड कहाँ पे है, नीड टू बी डेली वाटरिंग गलत है. सेकंड में देखिए द प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड, यस हमें मिल गया यहाँ पे आंसर. सो आंसर क्या हो जाएगा, 2. अब थर्ड में देखिए यू वाटर द प्लांट एज इट इज देयर डेली नीड. चलिए अब ये तो हो ही नहीं सकता है. फोर्थ क्या है, डेली वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, ये भी गलत हो गया. इज नीडेड बाय यू, इज नीड बाय यू, ये पूरा सेंटेंस ही अब्सर्ड है. सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2. द प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड डेली बाय यू. तरीका समझ लिया आपने एक बार, जैसे कि आप एक बार साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो उसे भूलते नहीं है, उसी तरह से एक बार आपने ये कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में डाल लिया, सही तरीके से सही स्ट्रक्चर से डाला, यानी कि रट रट के बैठ लिया, समझ के अच्छे से एग्जाम्पल्स लिया और एग्जाम्पल्स को एक जगह पे अरेंज करके रख लिया माइंड में, जब चाहिए निकाल लिया एग्जाम्पल. शुड यू एवर टेल लाई, यहाँ पे देखिए क्या है,
जैसे कि विल राम ईट द केक, विल द केक बी ईटन बाय राम, शुड है यहाँ पे, तो शुड हिलने वाला नहीं है, अपनी जगह पे रहेगा. शुड यू एवर टेल अ लाई, शुड अ लाई आ जाएगा शुड के बाद, शुड अ लाई, और वहाँ पे क्या होगा बी एवर टोल्ड, शुड अ लाई बी एवर टोल्ड. देखिए यहाँ पे एक और कन्फ्यूजिंग आंसर ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, शुड अ लाई एवर बी टोल्ड, नहीं वो जो एवर और टोल्ड है ना वो नहीं होगा, एवर बी टोल्ड इज रॉन्ग, बी एवर टोल्ड इज करेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे शुड के साथ बी चाहिए, शुड अ लाई बी, शुड अ लाई बी, हम हमेशा मॉडल के पास बी ले आते हैं. जैसे कि राम विल ईट, विल राम ईट द केक, विल द केक, फिर इमिडिएटली उसके बाद बी आ जाएगा, विल अ केक बी ईटन बाय राम, तो शुड अ लाई बी एवर टोल्ड, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ गेटिंग द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. दैट्स द राइट अप्रोच स्टूडेंट्स. यहाँ पे अप्रोच पे ध्यान दीजिए कि कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और कैसे मैंने एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन के लिए, और एक ही स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है, राम eats the cake, उसी को मैंने राम इज ईटिंग द केक, राम हैज ईटन द केक, राम एट द केक, राम विल बी ईटिंग द, राम वॉज ईटिंग द केक, यू नो सबके लिए एक ही एग्जाम्पल है, जब मुझे ज़रूरत हो उसे मैं लूँगा और उसे अपने क्वेश्चन के साथ मैं कंपेयर करके फटाफट सॉल्व कर लूँगा. इससे क्या होगा, रूल्स भी नहीं भूलेंगे आप, और आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा आपके माइंड में. क्वेश्चन नंबर 15, चलिए, पीपल क्रिटिसाइज हिम, तो यहाँ पे ध्यान देखिए क्रिटिसाइज्ड क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट इनडेफिनिट है, सो यहाँ पे वॉज चाहिए हमें, वॉज क्रिटिसाइज्ड, इस सेंटेंस में क्या चाहिए हमें, वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट ऑफरिंग टू पे फॉर द डैमेज. यहाँ पे जो आर्टिकल प्रीपोजिशन है फॉर, उसके बाद जो भी है वो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, वो जैसा का तैसा ही रह जाएगा. सो ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट, सो देखिए हमें क्या चाहिए, वॉज क्रिटिसाइज्ड यहाँ पे मिल रहा है हमें, हैज बीन क्रिटिसाइज गलत हो गया, इज क्रिटिसाइज गलत हो गया, और इज बीइंग भी गलत हो गया, तो ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर नॉट ऑफरिंग टू पे फॉर द डैमेज. ये जो ही वॉज क्रिटिसाइज के बाद में जो प्रेपोजिशन है फॉर, उसे आप डिलीट कर दीजिए, देखिए मत, ध्यान दीजिए यहाँ पे पीपल क्रिटिसाइज हिम, और इसका पैसिव क्या होगा, ही वॉज क्रिटिसाइज बाई पीपल. ओके, तो हमने यहाँ पे बाई पीपल को नहीं किया, क्योंकि वो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बाई पीपल ही है, जरूरी नहीं है उसे एंड में डालना यहाँ पे. जैसे पीपल से बन जाता है, इट इज सेड, पीपल से दैट ही इज नॉट ऑनेस्ट, इट इज सेड दैट ही इज नॉट ऑनेस्ट, वहां पे ये डालना जरूरी नहीं है कि बाय द पीपल. क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, शुड यू हैव इंटरप्टेड, तो यहाँ पे पहली बात तो ये शुड से स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस में शुड चाहिए, और सारे सेंटेंस में शुड है, चलिए ये बात सही है. Should you have interrupted me? तो should के बाद क्या चाहिए मुझे, me, पर me जब यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा should I, तो हमें चाहिए should I, ये सारे में should I दिख रहा है. Have interrupted में been चाहिए, should I have been interrupted, अब हमें मिल गया structure जो हमें चाहिए था आंसर के लिए, should I have been interrupted, right? By them while I was speaking, by them while I was speaking, यहाँ पे जरूरत नहीं है by them की, ये जरूरत नहीं है हमें. Should I have been interrupted while I was speaking is sufficient. By them is not required. It is understood. It is not the correct passive form of the sentence given in the question. तो ये था question number 16 आपका. अब हम देखते हैं यहाँ पे question number 17 क्या है. चलिए. The this word cannot be uttered by a sane man. Cannot be uttered. Okay. Cannot be uttered. यहाँ पे be है. साथ में utter का past participle form है. और यहाँ पे by भी है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये sentence passive voice में है. आपको बताया नहीं जाएगा. आपको खुद से identify करना है. आपको जहाँ by दिख जाए, past participle के साथ, मतलब वो sufficient है आपके लिए. ये समझने के लिए कि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है. सो बी अटर्ड जो है, जब वहाँ पे आपको दिख रहा है तो उसके साथ में उसका जो एक्टिव फॉर्म होगा, रिवर्स रूल अप्लाई है वहाँ पे. रिवर्स रूल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये राम ईट्स द केक इज ईटन बाय राम. तो यहाँ पे बी अटर्ड का उल्टा हो जाएगा अटर. तो हमें क्या चाहिए? अटर.
वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है अटर, बी हमें निकाल दीजिए कैन नॉट अटर. सो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर टू वर्ड्स, कैन नॉट अटर. बाय होम अ सेन मैन, अ सेन मैन स्टार्टिंग में यहाँ सब में है. अ सेन मैन कैन नॉट अटर द वर्ड, अ सेन मैन कैन नॉट अटर दिस वर्ड. तो थ्री गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें चाहिए दिस वर्ड, द वर्ड नहीं दिस वर्ड. So a sane man cannot utter this word will be the answer. That is option number 4. A sane man cannot utter this word. Let's look at question number 18. The national anthem is being sung by, again jahan pe aapko by dikh jaye aur sung which is the past participle form of sing, matlab sentence passive voice mein hai. Aur jab yahan pe being hai to hum being kab use karte hain, जब वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है. तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म चाहिए. संग का कंटिन्यूस फॉर्म क्या होता है? सिंगिंग. और ये इज है, मतलब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस चाहिए, पास्ट कंटिन्यूस चाहिए, प्रेजेंट चाहिए. तो मतलब इज सिंगिंग चाहिए. सो हमारी सेंटेंसेस में वॉज सिंगिंग गलत हो गया, सिंग्स गलत हो गया, हैज संग भी गलत हो गया. सही आंसर क्या होगा? जेसन इज सिंगिंग द नेशनल एंथम. अगर हमारे स्ट्रक्चर सही हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और हमें हमारे पास ये कैपेबिलिटी का इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर पाए कि सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, और एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसे अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट कर पाए, तो फिर 20 क्वेश्चन हो या 30 क्वेश्चन हो, आपको 5 से 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे देखा है काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए. एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे. द टीचर वॉज प्लीज विद हिज रेसिटेशन. अगेन यहाँ पे बाय नहीं दिख रहा है आपको. देखिए, आप ढूंढिए, यहाँ पे बाय नहीं है लेकिन वॉज प्लीज है. तो एक और रूल यहाँ समझ लीजिए, जब भी एम इज आर वॉज व बी बीइंग और बीन, ये आठ हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉपुलेटिव वर्ब्स या प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं, प्राइमरी मॉड्यूल्स कहते हैं. तो ये जो आठ वर्ब्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इनके साथ अगर पास्ट पार्टिसिपल हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, जिसे हम एकेडमिक लैंग्वेज में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो, तो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होता है. अगर बाय नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस इज इन पैसिव. जहां पे हमने एम इज आर वॉज व बी बीइंग बीन को पास्ट टेंस के साथ या पास्ट पार्टिसिपल के साथ यूज किया, सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म. राम एट द केक, द केक वॉज ईटन बाय राम. जहां पे आपको वॉज प्लीज दिखे वहां पे उसका जो रिवर्स फॉर्म होगा वो होगा सिंपली प्लीज्ड. आंसर में सिर्फ हमें चाहिए प्लीज वर्ब, प्लीजेज नहीं चाहिए, प्लीज नहीं चाहिए, हैज नहीं चाहिए. सो हिज रेसिटेशन प्लीज द टीचर. देखिए कितना आसान था, सिर्फ हमने वर्ब पे ध्यान दिया और आंसर फटाफट हमारे पास आ गया. सो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक्टिव पैसिव वॉइस का, जो मैंने आपसे आज तरीका सिखाया आपको. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा आज, सही तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना. तो अगर आपको क्लास पसंद आया तो क्लास को आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दी बेल बटन सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट ऑल आवर वीडियो दैट वी डू फॉर यू. एवरी डे एट 2:30 वी ब्रिंग दिस फ्रेश वीडियोज फॉर यू सो दैट यू कैन प्रिपेयर एट द बेस्ट लेवल फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर ऑल द एग्जाम्स दिस ईयर. So students, I will be seeing you next in my next video at 2:30 tomorrow. Till then, thank you.